हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए फॉर्मुलेशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? कंपाउंड का फॉर्मूला, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O कैसे पता चला कि इसमें हाइड्रोजन 2:1 रेशियो में? पहले तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि भाई वाटर एलिमेंट है कि कंपाउंड है। यदि आज भी आप अपने पंडित जी वगैरह से बात करोगे धर्म ग्रंथों में, तो बताएंगे जल एक एलिमेंट है, जल एक तत्व है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, लाइक दैट। तो वो दे कंसीडर्ड एज ए वाटर एज एन एलिमेंट, वो वाटर को एलिमेंट मानते हैं। तो वाटर जो है आपका, उन्होंने एलिमेंट क्यों माना? क्योंकि उन लोग, वो लोग वाटर को डीकम्पोज नहीं कर पाए। फैराडे इज द फर्स्ट पर्सन जिसने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करा और आपका जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसने उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको मिली, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबशन रिएक्शन से वाटर जो है उसने बनाया। तो वहां से कंपाउंड्स का जो वाटर का फार्मूला है वो H2O आया, कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1। अब हमारे को किसी भी कंपाउंड की केमिकल फार्मूला निकालना है तो किस तरीके निकालेंगे, और इन सब बातों पर बेस्ड IIT में क्वेश्चन जरूर आता है। तो कंपाउंड का जो फार्मूला है, सबसे पहले हम कंपाउंड का प्योरिफिकेशन करते हैं। जब हम कंपाउंड का प्योरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम उसमें क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और एलिमेंट डिटेक्शन। तो हम उस कंपाउंड में एलिमेंट्स डिटेक्ट करते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, जिसके हमारे पास कई सारे केमिकल मेथड हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में आपके जो एलिमेंट मिलते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद हम इन कंपाउंड्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उस कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालते हैं कि भाई कार्बन के कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, या ऑक्सीजन के कितने हैं, या हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेशन, कि उस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली एक टेबल यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर एलिमेंट लिख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, यहां पर उनकी हम परसेंटेज लिख लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट उनका एटॉमिक मास लिख लेते हैं, और नेक्स्ट में हम परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर लेते हैं, और उसके बाद हम उनकी सिंपल रेशियो बना लेते हैं। तो जब हम इनकी सिंपल रेशियो बना लेते हैं ग्लूकोज के केस में, जिसके हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, तो ये आपकी 1:1 आती, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फार्मूला है दैट इज CH2। फार्मूले किसी भी कंपाउंड के कई तरीके के होते हैं, जैसे एक तो इंपेरिकल फार्मूला, एक मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन स्टीरियो फार्मूला, ठीक है। तो कट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड में हम लोग नॉर्मली 3-4 तरीके के फार्मूलों को डिस्कस करते हैं, जैसे इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्टीरियो फार्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में डिफरेंस ये होता है कि जो इंपेरिकल फार्मूला, दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कि एक ही मॉलिक्यूल में कितने आपके एक एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है। जैसे बेंजीन है, ठीक है, इसके केस में
मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, 6:6 में सिंपल रेशियो क्या होगी 1:1। एसिटिलीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है और इसका जो आपका मॉलिकुलर फार्मूला C2H2 है। कई बार इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, जैसे H2O केस में, H2O में इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला आपके सेम होते हैं, ठीक है, और बेंजीन में आपके और एसिटिलीन केस में ये अलग अलग होते हैं। और एक ही इंपेरिकल फार्मूला अलग अलग कंपाउंड्स का भी हो सकता है, एक मॉलिकुलर फार्मूला भी अलग अलग कंपाउंड्स का होता है, हो सकता है, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये बताता है किस तरीके से अरेंजमेंट डिफर हो सकता है, और कभी कभी अरेंजमेंट भी जो कंपाउंड्स का है स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी वो स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो, उससे सिया ट्रांसफॉर्म बन रही हो, तो उस बेसिस पर हमें किसी कंपाउंड के बारे में ये तीन फार्मूले सोचने पड़ते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। यदि स्टीरियो केमिस्ट्री पॉसिबल है तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी सोचना पड़ता है। और कई केसेस में आपका ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों ही सेम हो, जैसे H2O के केस में हो सकता है तीनों ही अलग हो सकता है दो ही सेम हो या और आपके अलग हो। आइसोमर्स सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमर। But different structure formula. ठीक है? This phenomenon is known as isomerism. For example, we have C2H6O. It can forms two compounds. C2H5OH. एंड CH3OCH3, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। तो यहां पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। ऐसे ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी दिखाते हैं, जैसे आपका CH3COH HCO CH3, दोनों ही कंपाउंड्स के मॉलिकुलर फार्मूला आपके सेम होंगे C2H4O2, लेकिन ये कंपाउंड क्या है आपका एसिटिक एसिड, और ये कंपाउंड क्या है आपका मिथाइल फॉर्मेट। ये जो कंपाउंड है आपके एक दूसरे से आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो हम लोगों को ये जो कंपाउंड का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बताते हैं ये केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे बताते हैं कि भाई इसकी केमिकल रिएक्शन, जैसे ये कंपाउंड है ये अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कंपाउंड्स है ईथर की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एस्टर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इनसे हमारे को कंपाउंड के बारे में आइडिया लग जाता है और केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बेसिस पर ही आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई मॉलिकुलर मास जो है किसी सब्सटेंस का कैसे निकालते हैं। जो आपके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला बताने के क्वेश्चन आते हैं उसमें मॉलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं,
तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला जब डिफरेंट होंगे तो इंपेरिकल फार्मूला मास और मॉलिकुलर मास दोनों डिफरेंट होते हैं और उसी से हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला मास को डिटरमाइन करते हैं। तो क्वेश्चन में कई तरीके से आपका जो है मॉलिकुलर मास गिवन होगा। एक तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली मॉलिकुलर मास गिवन हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हो सकता है कि आपको वेपर डेंसिटी गिवन हो, तो वेपर डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूलर मास ही होता है और इसको हम शॉर्टली वीडी से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में एक फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिए कि 2 इंटू वी वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो होती है आपकी मॉलिक्यूलर मास होती है। यदि उसका मन क्वेश्चन को और टफ बनाने का हुआ तो हो सकता है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे दे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो है आपको मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई सभी क्वेश्चन सेपरेट चैप्टर के हो, आपस में इंटरमिक्स भी हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जैसे आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वगैरह, तो उनसे भी मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कराया जा सकता है। तो जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाए तो आपको फोर्थ केस में क्या करना है कि एन निकालना है। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आपको मॉलिकुलर मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना है, तो आपका जो है एन ये आ जाएगा। और इस एन की हम लोग इंपेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मॉलिकुलर फार्मूला आता है। इंपेरिकल फार्मूला इनटू एन इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फार्मूला है आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, दैट इज CH2O, जिसको हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेशन की ट्यूशन से कैलकुलेट करते हैं। और इसका इंपेरिकल फार्मूला मास कितना बैठेगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला मास इसको हम उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे कि मॉलिकुलर मास करते हैं, 12 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30। और क्वेश्चन में आपको जो है मॉलिकुलर मास गिवन होगा, तो मॉलिकुलर मास जब आपको गिवन है मान लो 180, तो आपने जो है एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो रख दिया 30, तो इस एन की वैल्यू जो है आपकी क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 6। तो आप जो यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला है उसको इस फार्मूले में ही रख देते हैं, तो जब आप इस फार्मूले में रख देते हैं इसको तो आपका CH2O की पावर 6 इज इक्वल टू C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फार्मूला है। तो ग्लूकोज का जो ये मॉलिकुलर फार्मूला है ये आपका फ्रुक्टोज का भी हो सकता है, ग्लैक्टोज का भी हो सकता है, बहुत सारे आइसोमर्स का हो सकता है, लेकिन छोटे लेवल पे क्या है हम ग्लूकोज का मतलब यही बताते हैं। तो दैट इज द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर बताते हैं, जिसको मैंने हमारे को केमिकल रिएक्शन वगैरह अप्लाई करनी होती है, जिनको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। ये एक आईआईटी का क्वेश्चन है जिसमें कंपाउंड एक्स है कंटेनिंग क्लोरीन ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग अमोनिया गिव्स ए सॉलिड वाई व्हिच इज फ्री फ्रॉम क्लोरीन एंड वाई इज एनालाइज्ड एज कार्बन इज इक्वल टू 49.31, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9.59% एंड नाइट्रोजन इज इक्वल टू 19.8%। रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड कास्टिक सोडा टू गिव अ बेसिक कंपाउंड Z reacts with
HNO2 give HNO, suggest structure of XYZ. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है IITs में आते हैं। तो IIT जैसे हम इंपेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करते हैं तो फर्स्टली वी विल राइट दी सिंबल एंड क्वेश्चन में आपको कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, नाइट्रोजन की दे रखी है और ऑक्सीजन की, और इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। तो आप परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर देते हैं तो 49.31 डिवाइड बाय 12, 9.59 डिवाइड बाय 1, 19.18 डिवाइड बाय 40 एंड 21.98 60। तो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है तो ये आपकी 100 नहीं बैठ रही है। तो 100 नहीं बैठ रही है तो जो भी डिफरेंस है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो जब आपने परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दिया तो उसके बाद जो है आप इसकी सिंपल रेशियो निकालते हैं। तो सब सिंपल रेशियो निकालते हैं तो जो सबसे कम वैल्यू होती है उससे बाकी सबको डिवाइड करते हैं। ये है सिंपल रेशियो 4.1 डिवाइड बाय 1.37, 9.59 डिवाइड बाय 1.37 और आपका 1.37 डिवाइड बाय 1.37, 1.37 डिवाइड बाय 1.37 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू आपका 7, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है C3H7NNO। तो आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो ये हो जाता है और इस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। तो ये Y का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपका C3H7NO। इसके बाद हम लोग को एक्स वाई जेड के स्ट्रक्चर बताना है। तो आपका जो वाई कंपाउंड होगा दैट वुड बी CH3CH2CONH2 होगा। इस कंपाउंड का आपने ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करी CH3NH2 बना, CH3CH2NH2 बन जाता है। और आपने क्लोरीन के साथ कंटेनिंग कंपाउंड से बनाया है तो वो आपका होगा CH3CH2COCl प्रोपेनोइक क्लोराइड होगा, जिसमें आपने अमोनिया ऐड करी तो -HCl हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फॉर्मुलेशन के IIT में आते हैं। तो फॉर्मुलेशन पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं IIT में के पेपर में जरूर होता है। ठीक है, पहले बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता था, अब शॉर्ट में पेपर आता है जिसमें आपको केमिकल इक्वेशंस या एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह के बेसिस पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना। तो एन अननोन कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 69.7% कार्बन एंड 11.63% हाइड्रोजन एंड हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 86। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन बट फॉर्म्स a bisulfite addition compound and gives a positive hydroform test. What are the possible structure? तो हमें इसमें compound की formulation करनी है। Formulation करने में सबसे पहले percentage से हम लोग उसका empirical formula निकालते हैं। Empirical formula के बाद molecular formula, molecular mass हमारे को इस question में given है। उसके बाद हमारे को chemical reactions given है कि ये Fehling solution से react नहीं करता है, it means it does not aldehyde बट फॉर्म से बाइसल्फाइड एडिशन, यानी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है यानी कि इसमें CH3CO ग्रुप भी होगा या आपका CH3 कंटेनिंग एल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो ये हमारे को इससे सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो एम्पिरिकल फार्मूला में आपका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मास लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। उसके बाद आपका परसेंटेज, परसेंटेज हमने इसकी दे रखी है 69.77 और इसकी आपकी हाइड्रोजन की 11.63 और ऑक्सीजन की आपकी दे रखी है हमने कितनी
इन दोनों का आप सम करके माइनस कर देंगे 69 प्लस 11.6611 तो इन दोनों का सम कितना जाएगा आपका जीरो और ये कितना आ गया आपका 7 और 16 और एक 13 और एक 14 और 9 और एक 10 और एक 11 67 और 81 ठीक है इसको हम 100 में से माइनस कर लेते हैं तो आपका कितना बचेगा 0.6 और ये आपका बचा 8 और ये 1 ठीक है तो ये आपकी 18.6 होगी उसके बाद जो है हम परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर देते हैं तो आपका 69.77 डिवाइडेड बाय 12 11.63 डिवाइड बाय 1 और 18.6 डिवाइड बाय 16 तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना ही करीब आएगा 12 डिवाइडेड बाय 16.997 ठीक है और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी उसमें हम लोग सिंपल रेशियो ले लेंगे ठीक है तो जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी इसमें उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे बाकी सबको डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 11.63 ये आपकी 1.16 करीब आ जाएगी और ये जो है आप लगभग 70 मान ले तो 70 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.8 ठीक है तो 5.8 आएगा तो इन सबको आप इनसे डिवाइड करेंगे तो आपका 5.8 डिवाइड बाय आपका 1.16 11.63 डिवाइड बाय 1.616 और 1.16 डिवाइड बाय 1.16 तो जो है आपका यह आ जाएगा आपका 1 ठीक है और ये आपका आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5 तो इसमें आपका जो कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5 आपका H10O ठीक है तो अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से है और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो हम जो है इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो मॉलिकुलर मास जो है आपका 86 है ठीक है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 12 इंटू 5 प्लस 10 प्लस 16 इन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ठीक है दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 86 तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो 86 डिवाइड बाय 86.1 यानी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा दैट इज आपका क्या हो जाएगा C5H10O अब इस कंपाउंड में जो है एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है लेकिन आपके जो है ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और आपका CH3CO ग्रुप है तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे को उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है CH3CO CH2 CH2 CH3 ठीक है एक आपका स्ट्रक्चर ये हो सकता है CH3CO CH bond CH3 bond CH3 तो ये दोनों कंपाउंड ही ऐसे हैं जो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे जो आपके जो है आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनाएंगे ठीक है तो आपका एक कंपाउंड ये होगा पॉसिबल और एक ये होगा तो आपका 2-pentanone ए इज 2-pentanone एंड बी इज आपका 3-methyl और 2